पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। हेलो जी, आप लोग अंदर आ जाए, मैं रेस्टोरेंट के अंदर ही हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। ये तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपको सब बताता हूँ, आप प्लीज बैठिए। आप लोग क्या लेंगे? पहले मतलब की बात करो। जी दरअसल मैंने आज यहाँ आप लोगों को नहीं, रुकैया के वालदैन और भाई को बुलाया। मगर रुकैया तो रामीन के बचपन का नाम है। मैं रामीन को बचपन से जानता हूँ। सब समझ आ गया मुझे। पापा इस बार रामीन ने इसको अपना वकील बना के हमारे पास भेजा। अपने बचपन की सारी कहानी भी सुनाई होगी। वो इस दफा फिर से हमारे साथ कोई खेल खेलना चाह रही है। तुम ऐसे करो, तुम उसको जाके बोल दो कि अब वो हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। फरहान तुम चुप रहो, किसी को बोलने तो दिया करो। गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पे रखा रहता है। आप बोलो, हम सुन रहे हैं। रामीन की बर्थडे 3 अक्टूबर 1900। सबको याद है। जबरदस्त। इस दिन आपके घर में किसका जन्म हुआ था? ये तुम हर चीज में इतनी स्मार्टी क्यों मारते हो? जिसका जन्म दिन है उसी की पैदाइश हुई होगी ना। रामीन पैदा हुई थी। गलत। इस दिन आप लोगों के घर 3 और लोगों का भी जन्म हुआ था। एक बाप, एक माँ और एक भाई भी। आप सब उस दिन के बाद वो हो गए जो रामीन से पहले नहीं थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल मेरा मानना है कि सिर्फ बाप बच्चे को जन्म नहीं देता, बच्चा भी बाप को पैदा करता है और माँ को। वो अपने साथ इस दुनिया में रिश्ते लाता है, घर वालों के लिए नई पहचान, नए एहसास लाता है। एक माँ जो बच्चे को जन्मने का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करती है, उसी तरह एक बच्चा इस दुनिया में आकर आंखें खोलकर इस दुनिया का दुख और दर्द भुगतता है अपनी मर्जी के खिलाफ। दोनों एक दूसरे को मकाम भी बख्शते हैं और खुशियाँ भी, एक दूसरे के लिए वसीला भी बनते हैं और जरिया भी, जैसे रामीन आप लोगों के लिए बनी और आप रामीन के लिए। लेकिन आप उसे मारना तो नहीं चाहते ना? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखें, आई एम सॉरी बट अगर आप अपनी मर्जी उस पर थोपेंगे तो कैसे जिंदा रहेगी? अगर आप ये चाहेंगे कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो वो अपनी मर्जियों को मार देगी और ख़ुद को भी। जो लोग औरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़िंदा नहीं होते, वो सिर्फ ज़िंदा दिखते हैं। अंकल आपको याद होगा, जब भी रामीन को किसी किस्म की तकलीफ़ होती थी, कोई सुई चुभती थी, हाथ जल जाता था, आप तड़प उठते थे। उसको बुखार होता था तो आप लोग पूरी पूरी रात जागे रहते थे। आज वो किसी उलझन में है तो आप लोगों को उसकी तकलीफ महसूस भी नहीं हो रही। वो छोटी बच्ची जिसकी हकलाहट खत्म करने के लिए आप लोग दर दर इलाज करते फिरते थे, दुआएं मांगते थे कि वो बस एक जुमला बोल दे। आज वो अपनी मर्जी की बात आपसे क्लियरली करना चाह रही है तो आपको कान धरना नहीं गवारा हो रहा। ये आप नहीं अंकल, ये आप नहीं आंटी, आपकी अना है। ये आपकी अना बोल रही है। क्या
आपकी ना आपकी बच्ची से ज्यादा जरूरी है। वो घर आ जाएगी और जो आप कहेंगे वो कर लेगी, क्योंकि कोई भी अपने घर और अपने घर वालों से दूर ज्यादा देर नहीं रह सकता। आज मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि मैं रामीन को कैसे बचपन से जानता हूँ। अबू अमी अमीन फरहान सरप्राइज गुड्डू, मुझे पता है कि तुम अपना गुस्सा सादत और अपने बाप पे निकाल रहे हो, लेकिन जानी इसका कोई हासिल नहीं है। होश में आओ वरना कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। बेटा मैं एक आध बार तो तुम्हारे अब्बू को समझा ही सकती हूँ, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे देगी। बस करें अम्मी, ना तो कोई मेरा दोस्त है और ना ही माँ बाप मेरे हैं। एक दोस्त थी दादी, उनको सादत ने छीन लिया। दूसरी दोस्त थी रुकैया, उसको सादत ने मेरी जिंदगी से निकाल दिया। अब बस बड़ी रह गया है। लोग बेटों के लिए घोड़ा बनते हैं, मैं बेटी के लिए बनता था। ये बचपन से ही मेरी पीठ पर बैठ जाया करती थी। इसकी मां डांटती थी, क्या कर रहे हो मियां, कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसके हाथ मैले हैं, मिट्टी लग जाएगी। लेकिन मेरे लिए इसकी खुशी मेरे कपड़े गंदे और टीसे से ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस घोड़े की से हमेशा जरूरत पड़ेगी, लेकिन पता नहीं कब का यह मेरी पीठ से उतर चुकी। तुम ठीक कहते हो गुलजार, माँ बाप तो जरिया होते हैं, बच्चा तो हमारी पीठ पर सवार होकर इस दुनिया में पैदा होता है, फिर एक दिन सवारी से उतरकर पैदल भी चलने लगता है। लेकिन सवारी को फरामोश भी तो नहीं करना चाहिए ना, उसे भी सवार से लगाव हो सकता है, उसके भी जज्बात हो सकते हैं। बस करें बाबा प्लीज। I'm sorry. बेटा, मैंने भी तो तुम्हें कम हर्ट नहीं किया है। मेरी बात सुनो, मैं वहां अकेली कैसे रहूंगी अब, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। क्या हो गया है, अपने घर जा रही हूँ, थोड़ी ना मुख से बाहर जा रही हूँ। अरे मैं आती रहूंगी, ऐसे तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी मैं। आती जाती तो अब तुम गुलजार के घर रहोगी मैडम। यार उसने तो मुझे हैरान कर दिया, तानी कैसे अम्मी अब्बू के साथ पैचअप करा दिया उसने। हाँ वैसे ये तो है। चलो अरे एक सेकेंड, फोन आ रहा है, उठाओ। हेलो रामीन, मैं गुड्डू की अम्मी बात कर रही हूँ बेटी।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। दरअसल बेटा, वो हम तुम्हारी अम्मी अब्बू से मिलना चाहते थे। अच्छा, किस सिलसिले में? भाई, तुम्हारे और गुड्डू के सिलसिले में। क्या हम कल आ सकते हैं तुम्हारे घर? कल? हाँ हाँ, ठीक है। बेटा, याद से अपने अम्मी अब्बू को बता देना, ठीक है? मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे, गुलजार की अम्मी तो कल ही आना चाह रही है रिश्ते की बात करने। अच्छा, वो तो तुमसे भी बेसब्र है। लेकिन ये बात मुझे गुलजार ने तो नहीं बताई। क्योंकि उसको सरप्राइज देने आता है। अब तुम्हारे मामा पापा से मिलने से पहले उसने तुम्हें बताया था? ज्यादा सोचो, अंदर चलो। आ जाओ। चलो, तुम्हें पकड़ लोगी ना। तुम्हें गुलजार से पहले पूछना चाहिए था। अरे, आपको गुलजार का तो पता ही है ना, खामखा आए बाएं शाएं करता रहता। मैं पहले उसके रिश्ते की बात करूंगी और फिर उसे बता दूंगी। फिर भी उसे कहीं एतराज ना हो। क्यों एतराज होगा उसे? उसके बचपन की दोस्त है रामीन, और मैंने उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। अब शादी ही गुड्डू को बदल सकती है, वरना वो इसी तरह अपनी जान को खतरे में डालता रहेगा। आप मुझे अपने जहेज की सारी इनवॉइसेस व्हाट्सएप करें। जी, ढूंढनी पड़ेंगी, एक साल पुरानी बात है। ढूंढने सारी इनवॉइसेस, सारी रिसीट्स, जितने भी सबूत हैं आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने आपके केस पे काम शुरू कर दिया। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ। शुक्रिया। ओके। सादत बेटा, आज तो मैं ऑफिस से जरा जल्दी घर आना होगा। क्यों भाई? वो गुड्डू के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, लड़की के घर वालों से मुलाकात है आज शाम में। मम्मी, खुदा के लिए गुलजार के मामला से मुझे दूर रखे। क्यों? तो किसे नजदीक रखूं फिर? बड़े भाई हो तुम उसके बेटा। वैसे तो तुम खानदान के हर काम में आगे आगे होते हो, तो अब क्या हो गया? पता नहीं अम्मी, मैंने तो खुद को बहुत पहले गुलजार से अलग कर लिया था। अब ना ही वो मेरा भाई है और ना ही मेरे लिए फैमिली। बस बस छोड़ो सादत, जानती हूँ मैं गुलजार के तो किसी काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता, लेकिन आज शाम को तुम्हें जाना होगा। बेशक तुम कुछ ना बोलना, तुम्हारा आना ही गनीमत है। कहाँ चली गई थी आप मुझे छोड़कर? आपको पता है ना, आपके बगैर मेरा कोई नहीं है। गुड्डू, मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं गई। देखो, यहाँ ही हूँ ना तुम्हारे पास। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सादत क्यों बन गए हो? सादत? मैं कुछ समझा नहीं। आजकल जो तुम्हारी हरकतें हैं, बिल्कुल सादत जैसी हैं। उसमें और तुम में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। गुड्डू मेरे बच्चे, तस्लीम कर लो, तो कहीं अब तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। ये भी मान लो कि मैं मर चुकी हूं। जिंदगी है तो मौत है, लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी गुजारते कैसे हैं? जब तक तुम अपनी जिंदगी नेक नियति से, ईमानदारी से,
मुनाफिकत के बगैर ना गुजारोगे तो सुकून से निकल जाएगी तुम्हारी जिंदगी, और जब तक तुम मेरे गुड्डू बने रहोगे ना तो तुम्हारी दादी वादा करती है वो भी तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा, जब भी याद आएगी तुम्हारी दादी तुम्हारे पास होगी। क्यों ऐसे अकेलापन महसूस करते हो? देखो देखो ना, कॉल करने की क्या तुक है, तुम्हें तो अभी यहाँ होना चाहिए। यार इतना बिजी डे आज, और अभी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी जमा करवानी है। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? तैयार हो रही हूँ, और क्या। तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, अल्लाह ने इतनी नेचुरल ब्यूटी जो दी है। अच्छा तुमने गुलजार से बात की है? अब वो खुद कल से बात नहीं कर रहे तो मैं क्या बात करूँ, अब तो आमने सामने ही मुलाकात होगी, शर्त शरायत रखे जाएंगे। अम्मी को तो तुम जानती हो, पहले सोने की बात होगी और फिर कोई और बात होगी। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। चलो ख्याल करो और मुझे भी काम करने दो। अल्लाह हाफिज़। बाय। क्या बात है सर? कौन हो तुम? जी मैं सुपरवाइजर हूँ। दरवाजा खोलो। वो क्यों सर? खोलते हो या तोड़ो दरवाजा? बोलो। खोलो। अस्सलाम वालेकुम सादत भाई, आप किधर रह गए हैं, सब आपका पूछ रहे हैं। यार मैं ज़रा ज़रूरी काम से बाहर आया था, बस रास्ते में आ रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है। वैसे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, गुलजार को वही लड़की मिली जिसके पीछे वो पागल था। कौन सी लड़की, किस लड़की की बात कर रहे हो आदिल? आपको नहीं पता? रामीन वही लड़की है ना जिसका स्कूल बैग इसने बचपन से संभाल के रखा हुआ है, याद आया? गुड्डू से दूर रहना वरना पता है ना मैं क्या करूँगा। बचाओ! आवाज मत करो। बचाओ! बोला ना। सादत भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ हाँ आदिल आवाज आ रही है। अच्छा मुझे याद आ गया कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम करोगे यार वो घर वालों को प्लीज घर ड्रॉप कर देना। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। आदिल क्या कर रहे हैं, सब वेट करिए अंदर आ जाए। अच्छा आ जाए, कॉल पे था सॉरी। वो देखिए गुलजार भाई, वो रहा मेरा सामान। जब देख क्या ये सामान किसका है और किसकी इजाजत से पड़ा हो यहाँ पे? सर ये तो नहीं पता, ये काफी अरसे से यहाँ पड़ा हुआ है। दामल सर इस सामान की डिटेल बनाओ और पता करो कि किसने ये सामान यहाँ पे रखवाया। यस सर। को कौन खबर करता है? ओ भाई इनके बड़े सोर्स हैं, बाज़ औक़ात तो जाए वारदात पर हमसे पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा।
अच्छा फ्रिज टैली हो गया, वही है। अच्छा और बाकी सामान देख रहे हैं। कहाँ रह गई रामीन? बस आने ही वाली है। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार नहीं है? रामीन हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे बेटा, आओ ना बैठो। जीती रहो बैठो। यस ठीक। भाई हमने तो जितनी बातें करनी थी वो कर ली, अब तुम्हारी बारी है। भाई हमने तो उन्हें ये भी बता दिया है कि हमारे होने वाले दामाद गुलजार के कुत्ते ने हमारा हाथ काटा था। और हमने ये भी बता दिया है कि हमारी बेटी से लिखवा ले, ये शादी वाले दिन भाग जाती है। रामीन बेटी तुम भी तो कुछ बोलो, मैं क्या कहूँ आंटी। खैर ये मजाक उजाक तो होता रहेगा, लेकिन सच्ची बात है कि आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई रामीन और गुलजार बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो। अरे शुक्रिया बेटा, थैंक यू। जहेज का सामान बरामद। एक साल पहले फार्मा कंपनी ने डॉक्टर को कमीशन के तौर पर सारे जहेज का सामान दिया था, लेकिन जब डॉक्टर उनके मयार पर ना उतर सका तो वो जहेज का सामान उन्हें उसके घर से उठा लिया। और जिस शख्स ने इस करप्शन को बेनकाब किया ये वही गुलजार है जिसने चार दिन पहले प्राइवेट अस्पताल की करप्शन को भी बेनकाब किया था। आदिल बेटा गुलजार को तो कॉल करो, सरप्राइज नहीं देना उसे। अरे हाँ मैं तो भूल गया, एक मिनट। आइए चलिए गुलजार से बात करते हैं। एक मिनट यार, अभी नहीं, एक मिनट। जी आदिल। हेलो गुलजार यार, दिल थाम के रख लो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और हाँ बात सुनो, वो जरा ध्यान से बोलना, सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं मतलब? अरे तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया भाई, हम सब मुंह मीठा कर रहे हैं। एक मिनट, मजाक कर रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है बेटा मैं तुम्हारे दिल की आवाज नहीं सुन पाऊंगी? अम्मी हूँ मैं तुम्हारी, हम रामीन के घर तुम्हारा और रामीन के रिश्ते की बात करने आए हैं गुड्डू। क्या कह रही हैं अम्मी आप? भाई क्या सिर्फ तुम बच्चों को सरप्राइज देना आता है? एक मिनट प्लीज रुकें जरा, या आपने काफी बड़ा सरप्राइज नहीं दे दिया मुझे? मुझसे पूछ तो लेती। क्या हो गया गुड्डू, दिल तो तुम दोनों बच्चे एक दूसरे को दे ही चुके हो। हम तो अपना फर्ज निभाने आए हैं, इसमें भी तुम बच्चे एतराज करोगे? रामीन प्लीज माइंड मत करना, और दाऊद साहब अगर आप भी सुन रहे हैं तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मेरी शादी तय कर रहे हैं मुझसे पूछे बगैर। मैं नहीं एग्री कर सकता इसे, आई एम सॉरी। मेरा मतलब आप लोग पूछ तो लेते। आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता। लिख तो दिया के आज से तुम मेरे नहीं, लेकिन कसम से हो
इसी इडियट के लिए तुमने दानियाल को छोड़ा था ना, घर से भाग के गई थी तुम। और आपको भी मैंने उस दिन मना किया था कि इसको मत जाने दे, आपने फिर भी मेरी ना सुनी और उसको जाने दिया था। अब कराएं, सबके सामने इज्जत कराएं आप लोग। कैसे हुआ? वो बच्चे आपस में खेल रहे थे, खेलने खेलने में गुड्डू की टांग चली गई। लेकिन आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बच्चे का इलाज शुरू करें। देखिए, ये एक पुलिस केस है, हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद हम बच्चे का इलाज शुरू करेंगे। लेकिन बच्चे की सेहत के लिए हमने उसका इलाज शुरू कर दिया, पुलिस आ रही होगी। अब लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चे का खेल खेल में जलना काबिले यकीन बात नहीं है। अगर आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहते हैं तो कोई ठोस वजह सोच रही होगी। आज आप गुलजार से पूछे बगैर हमें रिश्ता लेने कैसे लेके जा सकती हैं? बेटा, मुझे क्या पता था कि आजकल के बच्चे मिलने मिलाने हंसने बोलने को संजीदगी से लेते ही नहीं है। मुझे लगा कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए मैं चली गई। आप गुलजार को जानती नहीं हैं, अनप्रिडिक्टेबल, कब किस बात से राजी होता पता ही नहीं चलता। आपने तो बचपन से पाला है ना उसे, लेकिन उसके बावजूद उसने आपकी भी इज्जत का ख्याल नहीं किया। मुझे तो रामीन के माँ बाप की हालत देखकर तरस आ रहा था, शर्म से डूबे जा रहे थे। मुझे तो रामीन की ये हालत देखी नहीं जाए। आदिल प्लीज, अंकल आंटी को छोड़कर मुझे घर छोड़ो, मैं गुलजार की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वालेकुम अस्सलाम। रामीन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? रामीन, अम्मी मुझे कुछ देर तन्हा छोड़ दे प्लीज। ठीक है बेटा, हम तो बस परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। सॉरी, आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उस लड़की ने अम्मी अब्बू को बता तो नहीं दिया, मेरी तो लोगों में कोई इज्जत नहीं रहेगी।
है, इसको तो पता नहीं चल गया। क्या हुआ, बाकी सब कहाँ? गुलजार ने हमेशा की तरह अपनी असलियत दिखा दी। मतलब? मतलब ये कि उसने शादी से इनकार कर दिया। जी भाई साहब, तुम्हें बताने का ये मकसद था कि तुम अपने भाई को लगाम दे सको। क्यों भाई साहब, कुछ किया है क्या उसने? तुम टीवी नहीं देखते? हमारे फार्मर तक पहुंच चुका है वो। भाई साहब, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप प्लीज उसकी गलतियों की सजा मुझे मत दें। वो हमारे हाथों से निकल चुका है। निकल चुका है तुम्हारे हाथों से? चलो ठीक है, तो फिर उसको मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं देखता हूँ मेरे हाथों से कैसे निकल सकता है। जी बेहतर। आप लोगों से एक आध सवाल कर सकता हूँ? गुड्डू, हमें अपने सवालात की हेरा फेरी में मत फंसाओ, सीधी और दो टोक बात करो। सीधी बात सुनता कौन है आजकल? मुद्दा बयान करो, हम बात समझ जाएंगे। बचपन के दोस्त होने का ये मतलब तो नहीं ना कि हम शादी करना चाहते हैं। और फिर आप लोगों ने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम क्या चाहते हो गुड्डू? अगर तुम हमें खुद से बता देते तो हम वहां ये फैसला करके ना जाते ना। वो लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, तुम्हारी माँ ने गलत फैसला नहीं किया, वरना वो इनकार कर देती। वो इस वक्त मेरी बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही। तुम शादी से क्यों भागते हो गुड्डू? इसलिए क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूं अम्मी। या फिर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आने से डरते हो? बिल्कुल डरता हूं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ एक मुर्दा इंसान की तरह जीना है तो हाँ बिल्कुल मैं डरता हूं, स्पेशली जब मैं दो शादीशुदा लोगों को नाखुश देखता हूं। गुड्डू, क्या तुम शादी कभी नहीं करोगे बेटा? पता नहीं अम्मी, शायद कर लूं, मगर रामीन से नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? नहीं अम्मी, क्या हो गया? रामीन से शादी क्यों नहीं करोगे? मैं नहीं चाहता कि मैं उसे किसी बंधन में बांध लूं और हमारी बेलोस दोस्ती खत्म हो जाए। शादी के बाद जब मैं मियां बीवी को एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए देखता हूं ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये मलकियत जताते हुए नहीं देख सकता मैं नहीं कंट्रोल करना चाहता किसी को, ना ही कंट्रोल होना चाहता, नहीं अच्छा लगता मुझे। एहतिशाम, मेरी बात सुने, ये गुड्डू जो है ना, ये लड़का जहनी मरीज है। ये बचपन में भी था और अब भी है, और पता नहीं कब तक रहेगा। ये तो नॉर्मल ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे खानदान में पैदा कैसे हो गया। मैं बताऊं आपको, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। मैं तो यहाँ एक मिनट और नहीं रह सकती। मैं इस लड़के के साथ अपना सर नहीं खपा सकती। और चलें। क्या हो गया है? बस बहुत हो गया, जो भी हो गया। बस गुड्डू बस। बेटा तुम होश में नहीं थे जब पुलिस आई थी। वो किसी भी वक्त आ सकते हैं तुम्हारा बयान लेने। तुम बस उन्हें यही कह देना कि खेलने खेलने में टांग जल गई। मैंने भी उन्हें यही बताया। मुझे पता था आप अपने बेटे को ही बचाएंगे। तुम भी मेरे बेटे हो। आप सादत के अब्बू थे और आप सादत के अब्बू ही रहेंगे। समझाओ इस पागल को शगुफ्ता। सादत अगर जेल जाता है तो इसका भी नुकसान है, भाई है इसका। गुड्डू मेरे बच्चे,
बेटा मैं मानती हूँ सादत ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जर्फ तो बहुत बड़ा है ना गुड्डू, तुम तो उसे माफ कर दोगे ना मेरे बच्चे? अगर पुलिस उसे ले गई ना तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी तालीम रह जाएगी, जेल में अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं वो। गुड्डू मेरे बच्चे माफ कर दो ना भाई को, अपनी अम्मी की बात नहीं सुनेगा? अगर पुलिस मुझसे पूछेगी तो मैं सब सच बता दूंगा। तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है ना? बहुत बड़ा सुंदर। जब तुम मेरी कॉल्स नहीं उठा रही थी ना, मुझे तब ही लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। मुझे ननिहाल की ही बदुआ लगी है, मैंने उसका दिल दुखाया, उसे शादी नहीं की ना, उसी ने मुझे बदुआ लगाई, इसीलिए आज मेरे साथ ये हुआ है और अब मुझे एहसास हो रहा है। अरे कम ऑन यार, संभालो खुद को। मैं अंदाजा नहीं है सुंदर, मुझे जिंदगी में कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई, मुझे लग रहा है मेरा सांस घुट रहा है, मेरा दिल डूब रहा है। मैं समझ सकती हूँ, जब किसी इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करो ना तो उसकी नाउम्मीदी बहुत परेशान करती है। तो मुझे बताओ उसने मेरे साथ क्यों किया ऐसा? वो तो उसी को बताओगा ना, जाहिर है टेढ़ा इंसान टेढ़ा काम ही कर सकता है ना। बस आज के बाद मैं नहीं मिलूंगी उससे और कभी बात भी नहीं करूंगी उससे। रामीन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे शादी के लिए और टाइम चाहिए हो, या वो तुम्हें और जानना चाहता हो। उनसे जानता है मुझे कितना जानेगा और मजीद। वो रुकैया को जानता था, रामीन से तो वो अभी मिला है ना, और बचपन और जवानी में बहुत फर्क होता है, और यार शादी तो एक बिल्कुल ही अलग डिसीजन है ना। कौन ऐसे तू आदमी जन्नत ही है कसम से। लेकिन यार बात सुन, तूने रामीन का भी दिल तोड़ा और अपने माँ बाप का भी, एक अच्छी बात तो नहीं है ना? उनमें अपना दिल तोड़ता था तुम्हें कैसा लगता? यार बिल्कुल बुरा लगता, लेकिन इसका ये मतलब है ना, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, अपना दिल बचाया। तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल जो है रामीन के लिए नहीं धड़कता था है? और वैसे भी मुझे तुम दोनों जो हो ना, दो परिंदों की तरह लगते थे जो हमेशा साथ उड़ते रहे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता। हाँ। अगर दो परिंदों को साथ में बांध दिया जाए तो क्या वो उड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएंगे भाई। क्यों? अब तो उनके पर दो से चार हो चुके हैं। भाई कैसे उड़ेंगे वो, एक दूसरे के साथ बंधे हुए जो है। ये तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जहां तक रामीन के दिल की बात है, मैं उसे समझा दूंगा। मिलो रानी प्लीज। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा घर पर। तुमसे
से तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, बिछड़े मैं हकलाता क्यों यारों, मैं पछताता क्यों, बहरे को सरगोशी करके अपना नाम बताता क्यों, रोटी खा गई बंदे सारे, अब तो भूख बची है पीछे, सच ना निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे, बस ये थूक बची है पीछे, भूखे को समझाता क्यों, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।